अभी मैं आपसे बताने वाला हूं कि आपकी जो दोस्त है, गर्लफ्रेंड है, वो आपसे सच्चा प्यार करती है कि नहीं करती है, वो कैसे पहचाने। अभी आजकल ऐसा जमाना है कि अभी गर्लफ्रेंड होना एक स्टेटस सिंबल है या बॉयफ्रेंड होना एक स्टेटस सिंबल है। यदि नहीं है आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो ऐसा माना जाता है कि नहीं नहीं आप तो बहुत पिछड़े हुए हो। मगर हमको ये पता ही रहता नहीं है कि वो लड़की सच्ची आपसे वफादार है कि नहीं है, आपके साथ में है कि नहीं है, आपके ऊपर सच्चा प्यार करती कि नहीं है, कि आपसे पैसे खर्चा करवा लेती है, और भी उसके दो चार बॉयफ्रेंड हैं और उनके साथ में भी वो मस्ती करती रहती है, तो ये आपको पता रहता नहीं है। तो ये कैसे पहचाने कि आपके ऊपर सच्चा प्यार करती है वो, उसके साथ में आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आगे और रिलेशनशिप बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, शादी करना है कि नहीं करना है। नहीं तो फिर क्या होता है कि ब्रेकअप का टाइम आता है और ब्रेकअप होने के बाद में अदर पार्टनर बहुत डिप्रेस हो जाता है, जहाँ तक कि सुसाइड कर लेते लोग। तो अभी मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगा कि जो साइंस जो है, लक्षण जो है, टिप्स, कि जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपके ऊपर सच्चा प्यार करती कि नहीं करती है, और फिर आप वहाँ से फिर कुछ अलर्ट्स आपको मिलते हैं तो वहाँ से आप लेसन ले सकते हैं। तो पहला जो है वो है कि भाई आपके पास में वो शारीरिक ज़रूरतों के लिए आ रही है क्या, मतलब वो ऐसा जाने अनजाने में आपको बोल रही है, आपको हिंट दे रही है और शारीरिक संबंध रखने के लिए बोल रही है, और आपसे कुछ ना कुछ बहाने बना के पैसा निकाल रही है, इधर पार्टी दो उधर पार्टी दो, मुझे ये खरीद के दो मुझे ये गिफ्ट दो, मतलब ऐसा, और शारीरिक संबंध भी रख रही है जिससे आपको उसको लगता है कि भाई मैं तो आपको दे रही हूँ, मेरा बदन दे रही हूँ, मेरा शरीर दे रहा हूँ और आपको मांग भी रही हूँ। तो आपने देखना है कि ये तो सब ऊपर ही ऊपर प्यार है, लस्ट है, ये कोई असली लव है नहीं। फिर आपको ये देखना है कि वो सच्ची आपकी स्टेटस जो है वो समझती है क्या, फाइनेंशियल स्टेटस, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेटस इन सेंस कि भाई फाइनेंस, कि भाई आपके पास में सच्ची पैसा है नहीं है, आप कमाते हो कि नहीं हो, कि माँ बाप के ऊपर आप डिपेंड है, फिर आप वहां से पैसा लाते हो, तो फिर वो खर्चा करवाती है तो कितना पैसा खर्चा करवाती है, आपको समझ के लेती कि नहीं लेती है, कि आपसे सिर्फ पैसा खर्चा करवा के ही लेती है, इधर पैसा खर्चा करो, यहाँ घुमाने ले जाओ, वहां घुमाने ले जाओ, बाइक के ऊपर घुमाओ, कार में लेके जाओ, टैक्सी में लेके जाओ, मतलब इस तरह का है क्या। फिर नेक्स्ट जो है वो आपको देखना है कि वो आपके नीड्स को पहचानती है क्या, कि आपको क्या जरूरत है, आपके लिए पूछती क्या हो, कि आपको क्या चाहिए, कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे अभी कॉफी चाहिए, मुझे अभी चॉकलेट चाहिए, मुझे अभी कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए, ये कंपनी का आइसक्रीम चाहिए, मुझे अभी ये होना है, मतलब मेरी नीड्स तुम पूरी करो और मुझे महत्व दो, मैं जो चाहती हूँ वो करो, ऐसा वो करती है कि भाई आपके लिए पूछती है कि नहीं आपकी क्या नीड्स है। फिर नेक्स्ट है कि भाई वो अपने रूल्स बताती है, खुद के रूल्स, कि नहीं मेरे रूल्स ऐसा है, मैं तो ऐसा कर रही हूँ, मैं तो ऐसा इस तरह से व्यवहार करूँगी, नहीं ये तो मेरा पर्सनल स्पेस है, इसमें तो आपने डिस्टर्ब करना ही नहीं है, मुझे कॉल करना है तो 8 के पहले कॉल मत करो, बाद में कॉल करना है, मतलब वो आपको आपके रूल्स बताती है और उसके खुद के रूल्स के मुताबिक वो बताती है कि आप अभी बिहेव करो, और वो डिक्टेट करेंगी, वो डिमांड करेंगी और वो हिसाब से आपने चलना है, इसका मतलब वो बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक है, खुद के ऊपर ज़्यादा ये है, मतलब खुद के ऊपर ज़्यादा प्यार करती है, आपके ऊपर प्यार करती नहीं है। फिर कुछ झगड़े हो जाते हैं तो वो बोलती है कि नहीं मैं ना तुम्हारे वजह से मैं इधर कुछ छोड़ दूंगी, मतलब तुमको ब्लेम करेंगी और बोलेंगे कि तुम्हारे वजह से मैं आपको छोड़ूंगी, तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, आखिर मुझे छोड़ना ही पड़ेगा, फिर ब्लेम तेरे ऊपर आएगा, मतलब आपको ब्लेम करेंगी, दोष देंगी और बार बार ये जताएंगे कि देखो मेरे को छोड़ना पड़ेगा, नहीं अपना ब्रेकअप हो जाएगा ना, वो तेरे वजह से होगा। तो वो बार बार ब्लेम करना, बार बार ऐसा थ्रेट देना, बार बार ब्रेकअप का बोलना, मतलब इसका मतलब कोई प्यार नहीं है, सिर्फ ये टाइम पास कर रही है और उसके टर्म्स कंडीशन में रहा तो ही वो रहेंगी, और वो टर्म्स कंडीशन कभी सेटिस्फाई होने वाले नहीं है क्योंकि वो अनगिनत है। फिर नेक्स्ट हो सकता है कि आपके ऊपर टॉन्ट मारना, आपके ऊपर हंसना, ये क्या कपड़ा पहना है, ये तुमको अच्छा लगता नहीं है, मतलब एक आपकी प्रगति करना है उसके लिए बोलना अच्छा वो अलग बात है, मगर टॉन्ट मारना है या क्रिटिसाइज करना है या नीचा बताने का है तो वो एक गलत बात हो सकती है, क्योंकि आपको आपके ऊपर हंसना है तो मतलब वो एकदम आपको ऐसा कम समझती है कि भाई मैं कोई बड़ी हूं और आप एकदम नीचा हो, फिर आप मैं जैसा बोलूंगी वैसा आपको नाचना पड़ेगा। फिर आपको कंपेयर करेंगी आपके दोस्तों के साथ में कि भाई वो अच्छा है दोस्त, वो देखो कैसा अच्छा पहनता है, वो देखो कैसा अच्छा है, वो देखो कैसी अच्छी बात करता है, वो देखो कैसा जोक्स करता है, तो तुम नहीं करते हो, तुम ऐसा है, तुम वैसा है, मतलब हरदम आपको कंपेयर करेंगी आपके दोस्त के साथ में, और फिर ज़्यादा दोस्तों के साथ में कुछ ना कुछ बहाने बना के बात करना, मतलब है दोस्त आपकी, है गर्लफ्रेंड आपकी, आप उसके बॉयफ्रेंड है, मगर और किसके साथ में कंपेयर करना, उनके साथ में ज़्यादा क्लोज अप क्लोज है करके बताना वो भी होता है, और उनके साथ में कंपेयर करना, तो एक बहुत ये बात ऐसी हो सकती है कि जिसमें एक अलर्ट साइन है कि नहीं ये कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है,
आपको चाहती नहीं है, आपके दोस्तों को ज़्यादा चाहती है, उनके ऊपर इंप्रेशन मारती है, उनके साथ में आपको कंपेयर करती है, आपको नीचा बताती है, तो ये बहुत गलत साबित हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि आपसे छिपाना बात और झूठ बोलना। समझे, आप कुछ फ़ोन करते हैं, उसका फ़ोन एंगेज आया तो बोलती है, नहीं नहीं मैं तो ये कर रही थी, मैं तो वो कर रही थी, मैं तो फ्रेंड के साथ में बात कर रही थी, और बाद में आपको मालूम पड़ता है कि उसने झूठ बोला हुआ है। तो ये जब झूठ बोलती है, अपना फ़ोन जो है वो छुपाती है, अपना फ्रेंड, मेरी पर्सनल, मेरा मोबाइल है उसको देखना नहीं है, उसके चैट देखना नहीं, उसको कुछ भी नहीं है, मेरा पर्सनल है, मतलब जब ऐसा करती है तब मतलब आपके, आपको उनके स्पेस में खुद की आने देते नहीं है, और बहुत ही सीक्रेसी रखती है, बहुत सीक्रेसी है, और छुपाना है, झूठ बोलना है, तो समझ जाना ये आपके लंबे समय का घोड़ा हो सकता नहीं है, मतलब लंबी रेस का घोड़ा हो सकता नहीं है, ये आप ज़्यादा देर तक चलने वाले है नहीं, क्योंकि अभी सब ये आपको दिखाई दे रहा है। जब प्यार है, जब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब तो गुलाबी गुलाबी नरम गरम सपने देखना है, ऐसे इसमें यदि वो इतनी तकलीफ आपको उसके साथ में हो रही है अभी, तो बाद में क्या होगा, शादी के बाद में। तो आपने अभी से ही तय करना है कि नहीं नहीं ये लंबा चलने वाला कार्यक्रम है नहीं, ये तो सिर्फ लस्ट है, ये तो एक शारीरिक आकर्षण है, और वो कुछ समय के लिए आपको चला के ले रही है, आपसे जिस दिन फायदा लेना बंद हो जाएंगे उस दिन आपको छोड़ देंगी। अभी भी आपको डाउट आ रहा है कि इसके दो चार बॉयफ्रेंड अभी होंगे ही होंगे, आपको मालूम पड़ता है कि उसके साथ में घूम रही थी, इसके साथ में घूम रही थी, ये भी आपको मालूम पड़ता है और झूठ बोलती है, तो फिर आपने उसी समय अलर्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर ब्रेकअप का चांस बिल्कुल बनता है, और बाद में फिर हार्ट ब्रेकअप हो गया तो फिर डिप्रेशन, सुसाइड ये भी होता है। समझो, ये सब नहीं करती है जो मैंने बोला हो, ये बिल्कुल नहीं है, सब जो मैंने बोला हो एकदम ही उसका उल्टा है, मतलब एकदम सब अच्छे नोट पे चल रहा है, बिल्कुल कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, आपके ऊपर प्यार करना, आपको एक्सेप्ट करना, नो कंपैरिजन, कोई डिमांड नहीं है, कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, आप जैसे है वैसे है, जैसे नहीं है वैसे नहीं, एक्सेप्ट कर रही है, और सब ट्रांसपेरेंसी है। तो हो सकता है कि आपका, आपके तरफ उसका बहुत अच्छा कमिटमेंट है, आपके ऊपर प्यार है, और हो सकता है कि आप उसको प्रपोजल दे और वो एक्सेप्ट करे, तो शादी करना बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सभी लड़कों लड़कियों को शेयर करो, ताकि वो अभी अलर्ट हो जाएंगे, और आगे जो नौबत आती है, आगे जो डिप्रेशन सुसाइड आता है, वो होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच।